23 मार्च को होली का पर्व है। हमारे बापूजी एक लंबे अरसे से समझाते आए हैं कि रासायनिक रंगों से कई तरह के नुकसान होते हैं, इसीलिए रासायनिक रंगों की बजाय प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना उचित रहता है। इसीलिए बापूजी का यही संदेश है कि होली जरूर खेलिए, लेकिन प्राकृतिक रंगों के साथ, रासायनिक रंगों से बचिए। होली के दिनों में सूर्य के सीधे किरण धरती पर आते और गर्मी बढ़ जाती है। हमारे शरीर में जो सर्दियों में उज तेज और बल्य होता है, वो उसका शोषण करने लगता है सूर्य। तो गर्मी को पचाने की योग्यता हमारी बरकरार रहे, इसलिए प्रकृति ने पलाश के फूल बनाए। पलाश के फूल रात को भिगा दिए और होली के दिन पलाश के फूलों से एक दूसरे को रंग लगाने से रोमकूप के द्वारा पलाश के फूलों का प्रभाव है कि आप सूर्य की गर्मी को पचाने के काबिल हो गए। आपके सप्त रंग और सप्त धातु संतुलित रहेंगे, आप चिड़चिड़े, अशांत या हार्ट अटैक के मरीज नहीं बनेंगे। प्राकृतिक रंगों से होली खेलने से आप प्रकृति के तालमेल से जिएंगे। जैसे सूखा हरा रंग बनाना हो तो त्वचा के लिए हितकारी है, मेहंदी का पाउडर और आटा मिला दिया, सूखा हरा रंग तैयार हो गया। भूरा रंग बनाना है तो बालों के लिए लाभदायी है, मेहंदी में आंवले मिला दिए, भूरा रंग तैयार हो। पीला रंग बनाना है तो त्वचा के लिए हितकारी है अमलतास अथवा गेंदे का फूल या हल्दी का पाउडर में बेसन मिला दो, पीला रंग हो गया। लाल रंग बनाना है तो लाल चंदन अथवा गुड़हल के फूल का चूर्ण लाल रंग बन गया। काला रंग बनाना है तो आंवले का चूर्ण लोहे के बर्तन में भिगा दिया, रात को सुबह काला रंग तैयार है। काला रंग जो बाजार का मिलता है उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है जो किडनी को खराब करता है। हरा रंग जो बाजार का मिलता है उसमें कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों में जलन, सूजन और स्थायी अंधत्व देता है। सिल्वर रंग से जो होली खेलते हैं उसमें एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है, वो कैंसर को बुलावा देता है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड सिल्वर रंग में। नीला रंग उसमें प्रूसियन ब्लू पड़ता है, कॉन्टैक्ट डेमाइट्स जो चर्म रोगों को बुलावा देता है। तो भूल से भी नीले रंग से होली न खेले, अंग्रेजी रंगों केमिकल रंगों से, लाल रंग से भी न खेले, सिल्वर रंग से भी न खेले। इन सब में ऐसे ऐसे धातु, ऐसे ऐसे चीजें केमिकल पड़ती है कि आपके आंखों के लिए, त्वचा के लिए, किडनी के लिए, चर्म रोग के लिए बहुत बहुत द्वार खोल देते हैं। जैसे लाल रंग है उसमें मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है, लाल रंग मर्क्यूरिक सल्फाइड के बिना नहीं बनता, वो त्वचा को कैंसर के रंग से रंग देता है। तो मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि होली आपको प्राकृतिक जीवन जीने में मदद करे, इसलिए प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलनी चाहिए। ये जो विलायती रंग हैं जो हमारे त्वचा को, किडनी को, आंखों को और हमारी समता को और संतुलन को विक्षिप्त कर दे, उन रंगों से होली न खेले, न उसके हिमायती बने। फिर होली के बाद के 20-25 दिन आप सावधान रहना, नीम के पत्ते कोमल अथवा नीम के फूलों का रस निकाल के 15 से 50 मिलीग्राम, छोटा बच्चा है तो 15 और बड़ा आदमी है तो 50 ग्राम पी लो, ठंडक भी रहेगी और गर्मी झेलने की शक्ति भी रहेगी। पित्त की बीमारियां, पित्त की बीमारी से 32 प्रकार की बीमारियां, उसमें हार्ट अटैक भी शामिल है। पित्त और वात मिले तो हार्ट अटैक होता है, लेकिन पित्त रहेगा नहीं तो वात क्या कर लेगा। और होली के बाद 20 दिन तक, 15 दिन तक बिना नमक का भोजन करें तो आपके स्वास्थ्य में 4 चांद लग जाएगा। बिना नमक नहीं कर सकते तो कम नमक वाला करो, हो सके तो बिना नमक का भोजन कुछ दिन करो। तो ये 3 बातें होली के दिनों में आप पलाश और गेंदे के फूलों के रंग से ही होली खेलेंगे, ये जहरी रंगों से होली न खेलेंगे, न खेलने वालों का अपने शरीर पर छींटा लगने देंगे, एक बात। दूसरी बात, नीम के पत्ते खाएंगे। और तीसरी बात, नमक घर में कम कर दो या तो बंद कर दो।